हेलो स्टूडेंट्स दिस इज लईता फदाले ये वैल्यू टीचर आई एम बैक हियर अगेन विथ न्यू लेसन लेसन नंबर एट डू इट टुगेदर ओके दैट मींस जो भी हम काम करते हैं वो एक साथ किस तरह से करना है उससे रिलेटेड है ये लेसन अलोन वी कैन डू सो लिटिल अगर हम अकेले होंगे तो बहुत कम काम कर सकते हैं या फिर जो टास्क दिया होता है वो हमसे बहुत कम होगा टूगेदर वी कैन डू सो मच अगर एक साथ करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत ज्यादा कर सकते हैं काम सो so, ये थॉट है हेलेन केलर का ओके okay? किसका थॉट है हेलेन केलर सो हु वाज हेलेन केलर हेलेन केलर वाज एन अमेरिकन ऑथर ओके डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अ लेक्चरर ओके उन्हीं का थॉट है ये उट वर्किंग टूगेदर एक साथ काम करने के बारे में हम और कुछ जानेंगे अ ग्रुप ऑफ डांस कॉम्पिटिशन वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन जया स्कूल जया के स्कूल में ग्रुप डांस कंपिटिशन होने जा रही थी ओके शी वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन इट और उसको जया को उसमें पार्टिसिपेशन करना था पार्टिसिपेट होना था उस ग्रुप डांस कंपटीशन में सो शी आस्क्ड हर क्लासमेट्स तो उसने अपने क्लासमेट्स को पूछा कौन है उनके क्लासमेट्स दीप्ति नदिया एंड जसप्रीत ये तीनों क्लासमेट्स हैं जया के ओके okay, इनको उसने पूछा टू फॉर्म अ डांस ग्रुप विथ हर तो उसने अपने क्लासमेट्स को पूछा ग्रुप डांस में हिस्सा लेने के लिए उसके साथ जो क्लासमेट्स हैं दीप्ति नदिया एंड जसप्रीत

The dance competition was due in another two weeks. बस दो कम वीक्स में ही डांस कॉम्पिटिशन होने वाली थी दीप्ति, नादिया एंड जसप्रीत वर्क वेरी हार्ड टू लर्न द स्टेप्स कौन बहुत हार्ड वर्क कर रहा था डांस की स्टेप्स लर्न करने के लिए दीप्ति नादिया एंड जसप्रीत बट लेटली जया हैसल्स बट वो टाइम पे जया का कैसा बिहेवियर था ग्रफ मीनस व्हाट रफ एंड लो इन पिच सी दिस मीनिंग यू कैन राइट इन योर टेक्सट बुक आपके लिए मैंने यहाँ पे राइट करके दिया है ओके okay? सो so, जया का वो टाइम पे जब डांस परफॉर्मेंस कर रहे जब रिहर्सल कर रहे थे तभी उसका बिहेवियर बहुत ग्रफ था दैट मीन्स उसका वे ऑफ टॉकिंग वो बहुत खराब था बहुत रफ था उनके साथ बात करने का क्योंकि उसको बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ या फिर ये लोग अच्छे नहीं करते हैं शी यूज टू फ्रीक्वेंटली लॉस पेशेंस

क्या किया वो जो ग्रुप है उनका ग्रुप उसने उनको अवॉइड करके अपना अलग सा प्रैक्टिस उसने करने करना चालू किया वेनेवर दस अप्रोच्ड हर फॉर हेल्प शी वुड तो क्या होता था ये अपना अलग अलग सा प्रैक्टिस करती थी है ना उसको साथ में करना चाहिए था क्योंकि वो ग्रुप डांस था बट वो उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मुझे ही सब कुछ अच्छे से आता है तो वो अलग जाके अपना प्रैक्टिस करती थी और जब भी बाकी उनके जो ग्रुप मेंबर्स उसकी उसको उसके पास आते थे हेल्प मांगने के लिए तभी वो उनको पूरा इग्नोर करती थी उनको ध्यान देती नहीं थी शी वॉन्टेड टू प्रूव दैट शी वॉज बेटर देन अदर्स उसको वही प्रूव करना था कि बाकी लोगों की कंपेयर से मैं तो अच्छी हूँ द डे ऑफ द दिन फाइनली अराइव्ड कंपटीशन का दिन आ गया देर वेर सेवरल ग्रुप्स दैट हैड पार्टिसिपेटेड बहुत ज्यादा ग्रुप्स थे वो टाइम पे वहां पे कंपटीशन में और भी बहुत ज्यादा ग्रुप्स थे नदिया फेल्ट बिट वरीड व्हेन शी सॉ हाउ गुड द अदर ग्रुप्स वेर नदिया थोड़ा सा टेंशन में आई क्योंकि बाकी के ग्रुप्स को उसने देखा वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करने वाले थे तो थोड़ा सा टेंशन में टेंशन हुआ उसको नदिया को जसप्रीत सेड डोंट वरी जसप्रीत ने क्या कहा उसको डोंट वरी चिंता नहीं करो वी विल गिव इट्स आवर बेस्ट शॉट हम अपने तरीके से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे वी हैव प्रैक्टिसड हार्ड और हमने प्रैक्टिस भी बहुत की है लेट्स हैव फन व्हाइल वी आर डांसिंग एंड होप फॉर द बेस्ट है ना जब हम डांस करते हैं है ना जब हम डांस करेंगे तभी हम बहुत अच्छे से फन करके करेंगे मजे से करेंगे एंड होप रखेंगे कि कुछ अच्छा ही हो ऑल दिस वाइल जया थॉट थू हर्सल तभी जया सोच रही थी आई विश आई कुड हैव अलोन काश अगर उसको लगा जया को क्या लगा कि मैं अगर अच्छा अकेली डांस करती तो जया ने क्या सोचा कि मैं अकेली डांस करती तो कितना अच्छा होता आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप मुझे इस ग्रुप का पार्ट बनना ही नहीं था दे कैन नॉट डांस एज वेल एज मी वो मेरी तरह डांस करते नहीं है है ना उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था ओके सुन इट वाज देयर टर्न अभी उनका टर्न आया डांस परफॉर्म करने का स्टेज के ऊपर दे वेंट अप टू द स्टेज एंड स्टार्टेड डांसिंग स्टेज पे गए और डांस करना स्टार्ट हो गया आफ्टर द परफॉर्मेंस एवरीवन स्टार्टेड चेयरिंग फॉर देम परफॉर्मेंस के बाद हर एक जन उनको चेयर कर रहा था हो सकता है वो तालियां बजा के भी कर रहे होंगे लेटर दैट द ग्रुप्स व्हिच हैड क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड वर अनाउंस्ड उसके बाद जो ग्रुप्स नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होने वाले थे उनके नाम अनाउंस होने वाले थे जया जया एंड हर ग्रुप नर्वसली वेटेड टू हियर द रिजल्ट्स। और रिजल्ट कब आएगा उसका वेट कर रहे थे कि सुनने के लिए वो बहुत बेताब हुए थे कि कब रिजल्ट आएगा दे देवेर इलेटेड इलेटेड मीन्स वेरी हैप्पी इवन दिस वर्ड्स मीनिंग ऑल्सो यू कैन राइट इन योर टेक्स्ट बुक ओके देवर इलेटेड वेन दे हर्ड देर नेम्स वो बहुत ज्यादा खुश हुए जब भी उनका नाम आया सेकेंड राउंड के लिए उनका नाम आया और उसमें से वहां पे जो जजेस बैठे थे उसमें से एक जजेस ने उनके लिए कमेंट्स दिया वो जो जजेस थी लेडी जजेस थी उन्होंने कहा ऑल ऑफ यू है आप लोगों ने बहुत अच्छे से हार्ड वर्क किया है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है बट देर वॉज एन लैक ऑफ टीम वर्क बट पे कुछ तो थोड़ा सा टीम वर्क कमी नजर आई उसकी ओके नन ऑफ यू इन सिंक्रोनाइजेशन आप में से कोई भी डांस सिंक्रोनाइजेशन में नहीं कर रहा था दैट मीन कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहा था है ना ऑब्वियसली क्योंकि जया तो अलग जाके कर रही थी है yeah, ना nah? इनके साथ कोऑर्डिनेशन कर ही नहीं रही थी तो कैसा उनका डांस सिंक्रोनाइजेशन में होगा कैसे कोऑर्डिनेशन में होगा उसके बाद उन्होंने कहा इफ यू डोंट कोऑपरेट एंड वर्क इन टैंडम योर टीम मे नॉट क्वालीफाई फॉर द फाइनल राउंड है ना अभी तो उनको चांस दिया था उन्होंने उन्होंने बोला आगे अगर आपकी टीम ने कोऑर्डिनेशन करके काम नहीं किया तो आपकी टीम फाइनल राउंड तक नहीं जा सकती जया वाज सरप्राइज्ड एट द फीडबैक फ्रॉम द जज शी रियलाइज्ड दैट हर Eagerness to show off her skills could cost the team dearly. She felt ashamed of her selfishness and decided to cooperate more with her team. इसके बाद जया को बहुत ashamed महसूस हुआ बहुत शर्म आई फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया मैं आगे से अपनी टीम के साथ बिल्कुल कोऑपरेशन के साथ काम करूंगी. During the next round of rehearsals दिप्ती नादिया एंड जसप्रीतलीउंड तो तो था, जब था का, जब ये कर रहे थे के लिए, तो वो बहुत है बहुत ही सरप्राइज हुए की जया अभी बहुत हार्ड वर्क कर रही है कोर्डिनेशन के लिए अपने ग्रुप के साथ एंड ऑल ऑफ देदर और फिर उसके और वो लोग सब साथ में काम कर रहे थे उन्होंने सबने एक साथ अच्छे से काम किया रिहर्सल का प्रैक्टिस करने का Their teamwork was clearly visible in the next round of the competition. है किस तरह से अच्छे से teamwork होता है वो बिल्कुल उनकी नेक्स्ट राउंड की rehearsal में कंपटीशन में नजर आया Their dance performance was perfectly coordinated. उनका डांस परफॉर्मेंस अच्छे से कोऑर्डिनेट होके किया था उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था ऑब्वियसली क्योंकि जया अभी उनको साथ दे रही थी राइट right? है ना वो एक साथ कर रही थी पहले जैसा नहीं कर रही थी वो अलग जाके प्रैक्टिस कर वो अलग नहीं कर रही थी वो इन लोग के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे से हार्डवर्क करके प्रैक्टिस कर रहे थे ऑडियंस भी बहुत खुश हुए इनके परफॉर्मेंस को लेके वेजल्ट जया एंड ग्रुप won द फर्स्ट प्राइज उनके ग्रुप को फर्स्ट प्राइज मिला था

ऐसे उनको महसूस हुआ ऐसे उनको रियलाइज हुआ मोर सच कॉम्पिटिशन इन फ्यूचर और उसके बाद उन्होंने किया कि आगे भी हम ऐसे ग्रुप में पार्टिसिपेट में करेंगे इन एवरी टीम ऑल में हर एक मेंबर्स के अपने thoughts अपने थॉट्स होते हैं अपने अपने गोल्स होते हैं वे ऑफ वर्किंग भी अलग होता है इफ ऑल में काम करेगा तो क्या होगा तो ग्रुप ग्रुप कॉम्पिटिशन में ऐसा चलेगा क्या नहीं चलेगा है ना अगर ऐसे काम करेंगे अलग अलग जाके गोल विल नॉट बी अचीव्ड है ना पूरा chaos means what? पूरा डिसऑर्डर लगेगा कोई भी सिक्वेंस में काम नहीं कर पाएगा है ना कोई भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जहाँ पे यूनिटी के साथ में काम करना होता है वहां पे यूनिटी दिखा नहीं होती है राइट right?

है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए टीम मेंबर्स के बीच में राइट सो टीम मेंबर्स शुड कम्युनिकेट विथ ईच अदर सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज राइट आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज शेयर्ड विजन व्हाट इज शेयर्ड विजन लाइक फोकस ऑफ द टीम मेंबर्स जो टीम मेंबर्स है वो काम करने के टाइम पे उनका कहाँ पे फोकस होना चाहिए दे शुड सोलली बी ऑन दी टीम गोल्स उनको ध्यान में रखना चाहिए कि अपने टीम के क्या गोल्स है उनको फोकस करना चाहिए राइट एंड दे शुड बी कमिटेड टू लीव देयर ईगो असाइड अपना सब कुछ ईगो साइड में रखना है मेरा नहीं करना है हम सब एक साथ किस तरह से काम करना है मेरा खाली अकेला जो पर्सन हूं मैं मेरा स्किल कोई दिखेगा कोई देखेगा नहीं सबका स्किल एक साथ देखेंगे है ना तो अपना ईगो साइड में रखो और अपने एक दूसरे के आइडियाज शेयर करके अपने टीम को आगे लाओ राइट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑब्वियसली अगर आप टीम में काम करते हो तो क्या है एक दूसरे के एक दूसरे का ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के प्रति राइट सो टीम ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर ओके आफ्टर दैट डेलीगेशन ऑफ वर्क सो टास्क शुड बी असाइन ना जो टास्क दिया जाता है दैट शुड बी डेलीगेटेड अकॉर्डिंग टू दी स्किल सेट ऑफ ऑफ ईच मेंबर मेंबर है ना डेलीगेशन वर्क दैट हर एक को एक को पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है तभी उसका स्किल देख के उसको वर्क असाइन करना जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन है ना कॉन्फ्लिक्ट मीन्स थोड़ा सा झगड़ा है ना थोड़े होते ही अगर ग्रुप में काम करेंगे बट उसको क्या करना है उसको ध्यान देना नहीं है मेंबर्स को क्या करना है मेंबर्स रिसोल्व देयर इश्यूज अपने अपने इश्यूज उनको रिजॉल्व करने करके आगे काम पे फोकस करना है राइट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्या होता है है ना लीडरशिप होना जो अच्छा लीडर होगा तो वो बाकी लोगों को अच्छे से काम करवाएंगे राइट एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए हु किप्स द मेंबर्स टूगेदर एंड अर्जेस्ट देम टू मूव अहेड है ना जो एक अच्छा लीडर ही कर सकता है उनके पास से अच्छे से काम करवा के ले सकते हैं राइट

महसूस करा के ही उनके पास से वो काम करा सकता है राइट इज एंथ्यूजिया और जो गुड टीम मेंबर होता है वो ऑलवेज एंथ्यूजिया होता है अबाउट वर्किंग विद द टीम है ना ऑलवेज एनर्जी में होते हैं ऑलवेज वो एनर्जी में रहता है अबाउट वर्किंग विद द टीम टेक्स प्राइड इन द टीम्स वर्क है ना और वो हमेशा उसको कैसा रहता है अपने प्राउड होता है अपने टीम के वर्क के ऊपर शो इंटरेस्ट इन द अचीवमेंट्स ऑफ अदर टीम मेंबर्स है ना और उसको वो जो अपने अदर टीम मेंबर्स है वो जो काम कर रहे हैं जिस तरह से वो अचीवमेंट करते हैं अपने काम में उनके प्रति वो इंटरेस्ट दिखाता है उनको एनकरेज भी करता है उन, उनको उनको एनकरेजमेंट करके उनसे काम कराने का भी काम करता है जो एक अच्छा गुड टीम मेंबर हो राइट एक्सेप्ट फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस उनके परफॉर्मेंस के ऊपर जो भी फीडबैक मिलता है जो अच्छा हो या फिर जो सही नहीं हो तो वो फीडबैक देके वो एक्सेप्ट करता है अगर फीडबैक अच्छा है तो बहुत अच्छी बात अगर फीडबैक अच्छा नहीं है तो जो भी फीडबैक मिला है नेगेटिव पॉइंट्स उनको मिले उसके ऊपर वो सोच के अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं है, कौन जो एक अच्छा टीम मेंबर हो मोटिवेट अदर्स राइट जो उनके टीम में जो लोग है उनको भी मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए स्टेज फोकस्ड ऑन टीम टास्क ऑब्वियसली उनको पूरा फोकस करना पड़ेगा जो टास्क उनको मिला है ओके ओपनली कम्युनिकेट अदर्स इन द ग्रुप। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन जो है वो ओपनली पूरा खुल के कम्युनिकेशन होना चाहिए ग्रुप मेंबर्स के बीच में जो एक गुड मेंबर गुड टीम मेंबर के अंदर होता है इगरली ट्राइज आउट न्यू अप्रोचेस राइट कुछ नया टास्क मिल जाता है नए तरीके से अगर उनको करना चाहते हैं वो लोग तो वो भी उनको ट्राई करना जरूरी होता है है ना जो न्यू न्यू टेक्निक्स आई है वो भी उनको ट्राई करना जरूरी होती है जो एक गुड टीम मेंबर इगरली करता है तो इन दिस वे स्टूडेंट टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट बिकॉज इट डेवलप्स आर कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ठीक है है ना जो कम्युनिकेशन को डेवलप करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अपने अंदर आ जाता है ओके okay, चिल्ड्रन